किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राधे कृष्णा डेयरी फार्म पे। अपने फार्म पे महाराष्ट्र से किसान भाई लोग आए हैं, इन्होंने बहुत ही टॉप टॉप की गायें खरीदी हैं अपने फार्म से, देख रही होंगी आपको सामने में। और किसान भाई से बातचीत करते हैं, इनका नाम पता एड्रेस पूछते हैं, इनका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे आने के बाद, किस टाइप का इनको ब्रीड मिला, कैसा इनको रेट मिला, वन बाय वन पूरा पूरा किसान भाई से बात करेंगे। और आज अपने फार्म से 30 गायें लोड होकर जा रही हैं, कुछ नासिक की हैं, कुछ जो है सोलापुर की हैं, कुछ सांगली की हैं, और वन बाय वन सभी के बारे में आपको डिटेल से बातचीत कर लेंगे। अपने भाई से बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम पता बोलिए। माधा नाम अक्षय सुनील शिंदे जी। चांदोर तालुका तो नाल है जी। तर गगन भाई कडे आम्ही 8-10 दिवसापासून आलोय जी। तर म्हणजे जे गगन भाई व्हिडिओ मध्ये सांगतात त्याच पद्धतीने त्या गायचे रेट आणि गाय मिळतात। तर गगन भाई कडे आम्ही 8 दिवसापासून आलोय। गगन भाई आम्हाला कमीत कमी 100-150 गाय दाखवले जी। 100-150 गाय म्हणजे आम्ही 10 गाय परचेस केल्या जी। देखिए किसान भाई ने गाय ली है, जोड़ा लिया भाई ने, किसान लोग आए हैं 4-5 आदमी है सभी लोग, तो मिला के 10 गाय लिया है, ये जोड़ा है। देखिए तो कितने कितने लीटर दूध वाली गाय है दोनों? ये दोनों में 35-35 लीटर की गाय है। देखिए जो आपको बता के दिया है 35 लीटर, ये गायें 35 लीटर प्लस की गायें हैं। किसान लोग बोलते हैं महाराष्ट्र वाले की काली गाय दूध नहीं देती, बट वो डिपेंड करता है काली कैसी है। ये गाय 40-127 की है। देखिए गाय का माथा देखिए और गाय का हेड नेक पूरा है, गाय एकदम ब्रीडिंग वाली गाय है, वैसी नहीं है, हल्की नहीं है। और रेट भी आपको बता देंगे, बड़ा ही रीजनेबल रेट किसान भाई ने लिया है। देखिए ये देखिए बहुत ही बड़ी गाय है, हाई फाई गाय पूरी और ब्रांडेड गाय है। ये देखिए ये भी बहुत टॉप की गाय है। जोड़ा कितने में लिया सच्चाई बताने का? 1,70,000। 1,70,000 में जोड़ा लिया, 85-85,000 रुपये गाय है। एक गाय 35 लीटर दूध की और एक गाय इधर ये भी 35 लीटर दूध की, एक 35 प्लस बोला, एक 35 लीटर बोला है। तो 1,70,000 में 35-35 लीटर वाली गायें किसान भाई ने खरीदी हैं 85,000 के रेट में। तो देखिए जो उधर आपको बताया गया था फोन पर रेट वही मिला? हाँ वही मिला, उससे भी कम मिला जी। तो देखिए बड़ी गायें हैं, ब्रांडेड गायें, वैसा नहीं है खाली बोल दिया जा रहा है। इधर आइए भाई, ये 35 लीटर, ये लीटर, वो लीटर गायें भी दिख रही है सामने में। छोटी मोटी गायें नहीं है, हाथी के बच्चे हैं, असल गायें हैं, पूरी ब्रांडेड गायें हैं। अभी 7.5 मंथ की प्रेगनेंट है, चेक पास हमने करवा दिया डॉक्टर से, दूसरी गाय के 25 दिन बाकी हैं जो बगल में बंधी हुई है। और ये देखिए ये गायें हाइट में नॉर्मल है बट ब्रीड क्वालिटी में एकदम परफेक्ट है, पीठ पुट्ठा पूरा ब्रांडेड। और ये देखिए अभी तकरीबन 1-1.5 महीना बाकी है बच्चा देने का, नीचे का देखिए पूरा फिट पोर्शन है गाय का। ये देखिए आप, ये गायें किसान भाई को 25 लीटर प्लस बोल के दी है, बट अगर इनकी केयर अच्छी रही, क्वालिटी फीड की बढ़िया रही, तो 30 लीटर प्लस भी ये गाय दे देगी। किसान भाई से कर लेते हैं बात। का भाई इधर रहो, कितने में लिया गाय? ये गाय हमने 70,000 में ली। 70,000 में ली। 70,000 में 25-30 लीटर वाली गाय किसान भाई को दी है, लेकिन अगर केयर अच्छी रही तो इनको ये भी बोला साथ में कि 30 लीटर प्लस भी कर जाएगी। ये फीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी चीज़ खिला रहे हो फीड गाय को। देखिए गाय भी लिया किसान भाई ने, बहुत ही नॉर्मल जो है रेट में किसान भाई को गाय दी है, बहुत ही ब्रांडेड गाय, 7.5 मंथ की प्रेगनेंट और 75,000 में गाय दी है। पूरी भारी भरकम गाय देखिए, फुल हैवी गाय है, देख सकते हैं आप लोग। तो अक्षय भाई आप लोग इधर आए, आपके सामने में पहले दिन इधर से गुजरात की गायें भी गई। सही बात है, गुजरात की गई, फिर उसके बाद कोल्हापुर की गई, पुणे की गाड़ी गई जी, 3-4 गाड़ी गई जी। दिन की एक गाड़ी तो लोड होती है इधर। किसान भाई देखो नासिक की गाड़ी है आज आपके इधर जा रही है, सोलापुर की जा रही है, सांगली के लिए भी अनिवल है। तो हर दिन देखिए महाराष्ट्र के किसान लोग आ रहे हैं, वैसा इधर फसवा फसी वाला कोई मैटर नहीं है। ये जनी हुई गायें भी देखो ली है भाई ने और बछड़ा है साथ में, और 25 लीटर की गाय बोल के दी है, कुल 72,000 में गायें ली है, चालू दूध में गायें हैं। दूध अब निकल चुका है, लोडिंग का टाइम है थोड़ा सा, इसलिए जो है गाय का दूध अभी दिख नहीं रहा। तो अक्षय भाई ये बोलिए जरा, आप लोग जो उधर से किसान लोग आते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए, मराठी में सांगा। तुम्हाला खरं जर गायची घ्यायची असतील तर तुम्ही बिंदास कर्नल हरियाणा राधे कृष्ण डेअरी फार्म या क्यूएस आवश्य इथे भेट द्या तुम्ही, तुम्हाला जसं लागतील त्या पद्धतीने गाय भेटतील आणि प्राइस मध्ये तुम्हाला जेवढ्या पद्धतीने प्राइस लागत तेवढा याच्यात अवेलेबल करून देतील जी। तो कुल मिला के बाद जो पेमेंट की बात रहती है, पेमेंट में कोई किसी का लफड़ा विफड़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं जी। तो देखिए यही हमारी वीडियो थी, यही हमारे बारे में किसान भाई ने परिचय दिया, कोई फंसाने वाला फेक मामला कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। साफ सुथरी सी बात हमने करी है। अपने किसान भाइयों ने साहिवाल भी ली है, उधर साहिवाल खड़ी है, ये अपने काका जी खड़े हैं, देखिए सभी लोग आए अपने गोटे पर लिए इन्होंने पशु, और उधर दूसरे आदमी भी खड़े हैं। तो भाई यही था हमारे बारे में, देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में हम लोग लेट हो जाते हैं,
समय का प्रॉब्लम है, ठंडी ज़्यादा है, बाकी और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत हो गए आप लोग आइए तो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम।